जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनएल फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि बहुत ही पावन और शुभ माने जाते हैं। चैत्र नवरात्रि से ही हमारा नया संबंध प्रारंभ होता है और नवरात्रि के इन पावन दिनों में बहुत ही सर्वसिद्ध योग बना हुआ है। ये 9 दिन इन 4 राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। साथ ही माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप उपाय भी कर सकते हैं, वीडियो के अंत में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, उन 4 राशियों की जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि पर इस वर्ष कई वर्षों के बाद ऐसा सर्वसिद्ध योग बनने जा रहा है और ये 4 भाग्यशाली राशियाँ ऐसी हैं जिन पर माता रानी की विशेष कृपा होने जा रही है। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप खुद का कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही शेष लाभ मिलेगा। संतान सुख के योग बनेंगे, आर्थिक क्षेत्र आपका मजबूत होगा, जीवन में चल रही परेशानियाँ दूर होंगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय व्यतीत होगा। साथ ही अगर आप विद्या के क्षेत्र में हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। दोस्तों, दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी देखिए बुध हैं और बुध इस वर्ष के राजा हैं। आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कन्या राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा, आर्थिक क्षेत्र आपका मजबूत होगा, संतान और शिक्षा की तरफ से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने के योग बने हुए, विदेश यात्रा के भी बहुत अच्छे योग बने हुए। कन्या राशि के जातकों के लिए ये नया संवत और नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शेष रहने वाले हैं। आपको बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बने हुए। माता रानी का पूजन अवश्य करें, निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, तीसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए भी ये नवरात्रि बहुत ही शेष रहने वाली है। आपको विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। धनु राशि के जातकों आर्थिक क्षेत्र से लाभ मिलने के योग बने हुए। आप अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको अत्यधिक लाभ मिलने के योग बनेंगे। व्यापार में, नौकरी में बहुत अच्छे लाभ मिलने के योग बने हुए। साथ ही संतान पक्ष से भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपकी संतान है तो उनकी तरक्की के बहुत अच्छे योग बने हुए। दोस्तों, अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए भी ये चैत्र नवरात्रि बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। आपको अत्यधिक लाभ मिलने के योग बने हुए। साथ ही माता रानी का पूजन अवश्य करें। दोस्तों, ये 4 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। इनको अत्यधिक धन लाभ के योग बने हुए। साथ ही अगर आप संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन अवश्य करें। छोटी छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श अवश्य करें। नित्य प्रति आप कन्याओं को कोई भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं। आपकी संतान सुख की इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में माता रानी को आपको 1 बतासा 2 लौंग के जोड़े अवश्य ही भोग लगाने हैं। साथ ही माता रानी के मंत्रों का जाप करें। माता रानी को 1 लाल पुष्प या पीला पुष्प अवश्य ही अर्पित करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। देखना, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये 4 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन पर माता रानी की विशेष कृपा होने जा रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें।